मामला बिजनौर के बैराज रोड स्थित पुलकित मेमोरियल हॉस्पिटल का है, जहां नैना देवी का पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया गया था। परिजनों की माने तो ऑपरेशन के दौरान ही मरीज की मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर ने मरीज के परिजनों को अंधेरे में रखा और उनको नहीं बताया कि मरीज की मौत हो चुकी है। परिजनों ने नर्स से बार बार कहने पर डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, फिर मालूम हुआ कि मरीज की मौत हो गई। इस पर परिजनों का कहना है कि ये मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। इसी को लेकर परिजनों ने पुलकित हॉस्पिटल में हंगामा किया और इंसाफ दिलाने की मांग की है। जहां नैना देवी का पित्त की थैली का ऑपरेशन डॉक्टर सचिन ने किया था, परिजनों की माने तो ऑपरेशन के दौरान ही मरीज की मौत हो गई। अब मरीज के घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेनू। रेनू जी, आपकी मम्मी की जो डेथ हुई है, क्या पूरा मामला है? मेरी मम्मी के पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन किया था डॉक्टर सचिन ने, और सचिन ऑपरेशन के होते समय जो है मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और डॉक्टर ने जो है हमें धोखे में रखा कि आपकी मम्मी ठीक है, 4 घंटे में होश आ जाएगा, 5 घंटे में होश आ जाएगा। और मैंने इतने में भी डॉक्टर से नर्स से मैंने बहुत कंप्लेन की कि सिस्टर मेरी मम्मी को देख लो। किस हॉस्पिटल में एडमिट कराया था? पुलकित, इस पुलकित हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा कि सिस्टर देख लो एक बार, मेरी मम्मी परेशान, मेरी मम्मी को जवाब नहीं दे रही ठीक है या नहीं है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी सिस्टर से, पर सिस्टर ने एक बार भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। इसी समय होते मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और डॉक्टर ने ये कह रहे कि तुम्हारी मम्मी ठीक थी। मेरी मम्मी ठीक नहीं थी, मेरी मम्मी अस्पताल में थिएटर में से निकलने के बाद ही मेरी मम्मी की डेथ हो गई। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।